भाई साहब क्या खूबसूरत गाड़ी है ना, मतलब मॉन्स्टर लग रही है। इसके टायर्स तो देखो यार, ट्रक जितने टायर है यार इसके, ट्रक जितने मर्सिडीज की भाई साहब, ये तो मतलब ये लगा लो आई थिंक X6 या X7 जैसी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई आपको थंबनेल देख के और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि भाई आज का व्लॉग किस टॉपिक पे होने वाला है। तो गाइस एक बार अभी मैं जा रहा हूँ सुमित भाई के पास, उससे कुछ मेरे को सामान लेना है, यानी एक तो गिम्बल लेना है मेरे को GoPro का, और एक DSLR वगैरह लेना है, और भी कुछ मतलब अपने सामान लेने हैं उससे। तो अभी भाई करा रहा है अपनी बाइक की सर्विस, एंड उसके बाद मैं जाऊंगा अपने सिस्टर के घर पे, वहाँ से भी मेरे को कुछ काम है। देन अब की बार आपको जो ब्लॉग देखने को मिलेंगे वो बाइक के ब्लॉग नहीं होंगे, कार के ब्लॉग होंगे। और गाइस हम जा रहे हैं, मतलब सडन प्लान हुआ है हमारा, तो हम जा रहे हैं एक ऐसी रोड ट्रिप पे जो हमें पता ही नहीं है भाई कि हम हमारी डेस्टिनेशन ही क्या है, क्योंकि दो तीन जगह हमने डिसाइड करी थी, अब उन उसमें से जो फाइनलाइज होगा वहीं पे जाएंगे, आपको पता चल जाएगा वैसे नेक्स्ट ब्लॉग में हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये तो ब्लॉग सिर्फ प्रिपरेशन का है, और हमें निकलना था 5 o'clock, तो टाइम हो गया भाई 2 o'clock, एक्यूरेट 2 हो गए भाई, तो समझ सकते हो कि भाई और मेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं अभी। तो भाई मैं तैयार भी नहीं हुआ हूँ, प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद देखेंगे कुछ। तो सुमित भाई की बाइक तो यहीं पे होगी, ये रही साइड में, एंड हेयर इज ही। क्या हाल है भाई? तो मिलते एक बार आपसे आगे यार। अरे भाई आज तो पूरी खुलवा दी तूने, हाँ लॉन्ग राइड की प्रिपरेशन हो रही है मेरे को पता चल गया। भाई साहब देखो एक्सपोज्ड मोटो भी सुमित एक्सपोज्ड आने वाली, जो पड़ा देख मैंने खुद नहीं बताया अभी, अब मैंने तो बता दिया ना। क्या लवंटी भाई? बस बढ़िया। मॉर्निंग एवरीवन, अभी है हम हरिद्वार में, एंड टाइम हो गया है 8:26। तो भाई हमने रेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक रूम ले लिया है, 2-3 घंटे यहाँ पे रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद फ्रेश वगैरह होके निकल जाएंगे यहाँ से। तो अभी क्या सीन है कि देखते हैं ये व्लॉग मैं कहाँ पे एंड करता हूँ, अभी तो थोड़ा सा ना हरिद्वार को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस थोड़ा सा ना रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो भाई चेकआउट कर दिया है, अभी एक बार जाके नहाएंगे हल्की पौड़ी पर, और दिखाते हैं आपसे सारी चीज़ें कि भीड़ वगैरह कितनी है, और आगे बताएंगे कि क्या क्या पास की जरूरत रहती है अगर आप उत्तराखंड या हरिद्वार आ रहे हो। तो ऐसा कुछ भी हुआ भाई हल्की पौड़ी का आज के टाइम में, और लॉकडाउन के बाद यहाँ पे टाइल्स वगैरह नहीं लगा दी गई हैं, वैसे भीड़ ठीक ठाक है, ना कम है ना ज़्यादा है, और इस पर भी भाई बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग कर दी गई है अभी। तो यहाँ पे भाव थे साइड साइड, तो दूसरी साइड जाके नहाते हैं, और पत्थर वगैरह भी थे, तो यहाँ पे नहाएंगे हम और फिर निकलेंगे यहाँ से केदारनाथ के लिए।
गाइस टाइम हो गया है 4:50 और अभी निकल रहे हैं यहाँ से भाई। काफ़ी एंजॉय किया, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई यहाँ पे। मतलब आके जो नहाने में मज़ा है ना, वो मेरे हिसाब से कहीं पे भी नहाने में मज़ा नहीं है। तो भाई टाइम हो गया है 10:21 और टोटल ट्रिप अभी तक घर से हुई है 458 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे हमने ले रखा है भाई होटल, अभी रूम लिया है यहाँ पे और अपनी कार यहाँ पे पार्क कर दी है। तो भाई हम निकले थे हरिद्वार से 4:30 पे और अभी टाइम हो गया है 10:25। तो 5 से 6 घंटे हमें यहाँ आने में इसलिए लगे, हम आए हैं बिल्कुल धीरे धीरे और जगह जगह भाई फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, ई पास वगैरह की चेकिंग्स वगैरह होती है भाई। आजकल चेकिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ई पास की तो चेकिंग हर जगह होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स की भी, कार के डॉक्यूमेंट्स और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है रास्ते में। तो भाई सीन क्या था, हम बिल्कुल धीरे धीरे आए थे, अभी भी मेरा रुकने का प्लान नहीं था, मेरे सारे दोस्त सो गए थे, मेरा तो बिल्कुल भी प्लान नहीं था। मैं बोला था भाई मैं ड्राइव कर लूँगा, सॉरी राइड, तो मैंने कहा था कि भाई मैं तो ड्राइव कर लूँगा, उन्होंने कहा नहीं भाई यहीं पे रुक जाते हैं, रेस्ट करो, सो जाते हैं, सुबह निकलेंगे यहाँ से 5 से 6 बजे। तो अभी हम रुके हुए हैं चंबा में, ये जगह है चंबा। तो सुबह 5-6 देखते भाई 7-8 बजे कब तक निकलते हैं। सुबह का प्लान है हमारा केदारनाथ का, उसके बाद देखते हैं भाई कहाँ कहाँ जाएंगे और वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। गाइज ये वाला जो व्लॉग था ये थोड़ा सा आपको ना बोरिंग लगा होगा क्योंकि मैं इतने अच्छे से व्लॉग नहीं कर पाया, अब जो आगे आने वाले व्लॉग है वो बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। क्योंकि इसमें है ना अभी हम हरिद्वार तक तो मेरा प्लान ही नहीं था कि व्लॉग मैं करूँ, अब आगे जो मेन हमारी ट्रिप है वो होगी। तो गाइज इसी के साथ करते हैं वीडियो की एंडिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी ऑसम सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम गाइज। तो कल रात में यहाँ पे रुके थे भाई और लोकेशन वैसे काफ़ी अच्छी है, बट जो रूम है वो ठीक ठाक है, आप एडजस्ट कर सकते हो अगर आप किसी राइड पे या किसी ट्रिप पे आए हुए हो। तो हमारा रूम साइड वाला है बट ऐसे ही है, हम 5 बंदे थे इसमें, इजीली मैनेज हो गए और 600 रुपये में ये रूम पड़ा हमें, जिसमें कि भाई पानी अगर गर्म पानी लेते नहाने के लिए वो अलग से मिलता है।